अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतगणना जारी। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट प्रत्याशी जो बाइडेन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। फिलहाल जो बाइडेन मतगणना में आगे चल रहे हैं। रिपब्लिकन टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। गृहमंत्री अमित शाह, सूचना प्रसारण मंत्री जावड़ेकर सहित अनेक क्षेत्र के लोगों ने गिरफ्तारी की है निंदा। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंगलवार को वाराणसी में कोरोना के खिलाफ फ्रंट वॉरियर्स को किया सम्मानित। कहा, प्रदेश में सबसे अधिक टेस्टिंग हुई, संक्रमितों का तत्काल चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई गई। और प्रदेश के जल संसाधन मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रदेश भर में गांवों में सिंचाई के लिए प्रयुक्त होने वाले सरकारी सिंचाई नलकूपों को सौर ऊर्जा से चलाया जाएगा। इसके लिए ऊर्जा विभाग के साथ बैठक की जा चुकी है। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्नोत्री। समाचार अब विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतगणना जारी है। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट्स प्रत्याशी के बीच जो बाइडेन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को 538 में से 270 वोट जीतने होंगे। मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई पुलिस ने घर में घुसकर अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार किया। अर्णब गोस्वामी को महाराष्ट्र सीआईडी ने 2018 में इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां कुमुद नाइक की आत्महत्या की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। अर्णब को अलीबाग ले जाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अर्णब की गिरफ्तारी पर कहा है कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने लोकतंत्र को एक बार फिर से शर्मिंदा किया है। रिपब्लिक टीवी और अर्णब गोस्वामी के खिलाफ राज्य की शक्तियों का दुरुपयोग, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। यह हमें आपातकाल की याद दिलाता है। स्वतंत्र प्रेस पर इस हमले का जरूर विरोध होना चाहिए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा कि मुंबई में प्रेस पत्रकारिता पर जो हमला हुआ है वो निंदनीय है। यह इमरजेंसी की तरह ही महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस घटना को प्रेस की आजादी पर हमला बताया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है। जो लोग वास्तव में इस स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं उन्हें अवश्य बोलना चाहिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर कहा कि प्रेस की आजादी को लेकर जो लोग आज अर्णब के समर्थन में खड़े नहीं हैं, इसका मतलब है वो फांसीबाद का समर्थन करते हैं। हो सकता है आप उन्हें पसंद नहीं करते हो, उन्हें स्वीकार नहीं करते हो, उनके अस्तित्व को तुच्छ समझते हो, लेकिन यदि आप चुप रहते हैं तो आप दमन का समर्थन करते हैं और अगर अगला शिकार आप बनते हैं तो आपके लिए कौन बोलेगा। एक बहुत बड़ा हमला है। हम लोगों ने आपातकाल में प्रेस की आजादी के लिए भी लड़ाई लड़ी थी। इंसान की आजादी, न्यायपालिका की गरिमा, और प्रेस का पूरा अधिकार है कि वो सवाल पूछे। आप उससे मतभेद रख सकते हैं, आप उसको काउंटर कर सकते हैं, आप उसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन सवाल पूछने के लिए आप पुलिस के अधिकारों का दुरुपयोग करके गिरफ्तार करेंगे, इससे बड़ी तो भर्त्सना योग्य कोई बात हो नहीं सकती। असर हो रहा है सोनिया जी और राहुल गांधी की चुप्पी पर। ये रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर प्रायोजित आरोप लगाते हैं कि संस्थाओं के ऊपर हमला हो रहा है, और आज प्रेस की आजादी पर इतना बड़ा हमला हुआ है। देश के एक बड़े संपादक को गिरफ्तार कर लिया है सवाल पूछने के कारण, और सोनिया जी और राहुल गांधी दोनों खामोश हैं, चुप हैं। यही दिखाता है क्योंकि कितने दोहरे मानदंड हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी को प्रेस की आजादी पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि प्रेस को सवाल पूछने का पूरा अधिकार है, सवाल पूछने पर पुलिस के अधिकारों का दुरुपयोग करना निंदनीय है। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र पुलिस द्वारा रिपब्लिक
चैनल के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों ने इसकी भर्त्सना और इसकी कड़ी निंदा की है। अर्णव गोस्वामी की आज सुबह जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, उनके परिवार के साथ बदसलूकी की गई, ये घोर आपत्तिजनक है, निंदनीय है। और इस मामले में मैं ये कहूँगा कि अगर अर्णव गोस्वामी के तौर तरीकों से उनकी पत्रकारिता से एतराज है तो उसके लिए प्रेस काउंसिल है, उसके लिए तमाम विधिक तरीके हैं। लेकिन गिरफ्तारी करना और इस अपराधी के मानिंद सलूक करना, ये कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है। और इस पूरे मामले में केंद्र सरकार को भी और राज्यपाल को इसको संज्ञान लेना चाहिए और इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, नज़ीर लायक कार्रवाई करनी चाहिए। और जो लोकतंत्र के जो बात समर्थक हैं, जो प्रेस की आज़ादी के पहरुए हैं, उनके तमाम अलंबरदार इस वक्त चुप्पी साधे हुए हैं, ये भी निंदनीय है और इसकी कड़ी आलोचना की जानी चाहिए। इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। जो उनकी गिरफ्तारी हुई है, हम उससे पूरी तरह से असहमत हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मीडिया की फ्रीडम के ऊपर कुठाराघात है। और जो ट्रेंड बन रहा है वो ये है कि किसी न किसी बहाने से सरकारें, पुलिस, पत्रकारों के ऊपर उनको पीड़ित करने का काम कर रही हैं, उनको अरेस्ट कर रही हैं, ताकि जो फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का, उसकी आवाज़ या तो दब जाए या फिर जिस तरह से वो चाहते हैं उस तरह से मीडिया काम करे। तो ये बहुत गलत चीज़ है कि उनकी गिरफ्तारी हुई, हम इससे सहमत नहीं हैं। मुंबई पुलिस ने जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी को अरेस्ट किया वो तरीका ठीक नहीं था। अगर उनके खिलाफ उनके पास कोई शिकायत है या कोई FIR है या कोई ऐसी जांच उन्होंने ओपन की है जो पहले से बंद हो चुकी है, तो उसका एक प्रॉपर मैनर है, प्रॉपर तरीका, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन है कि किस तरीके से पुलिस कब किसके घर में घुसेगी। इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसका भी वायलेशन है और ये एक बदले की भावना के तहत कार्रवाई की गई है। जो एग्रेसिवनेस पुलिस ने उनके घर में दिखाई है, उनके परिवार वालों के साथ दिखाई है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि इस देश में प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो संविधान का पालन करे, और पुलिस महकमे की तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है। लेकिन अगर राजनैतिक दखल से पुलिस महकमे के लोग कोई हरकत मीडिया के खिलाफ करते हैं तो उनको निश्चित ये समझ लेना चाहिए किसी न किसी दिन कोई न कोई पुलिस अधिकारी बाद में ये शिकायत करता जरूर नजर आएगा कि उनका राजनीतिक दुरुपयोग किया गया या राजनीतिक दबाव के तहत उनसे कार्रवाई कराई गई है। ये बहुत ही गलत है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और पूरा देश इस समय इसकी निंदा कर रहा है। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंगलवार को वाराणसी के सर्किट हाउस सभागार में कोरोना वॉरियर्स के अभिनंदन समारोह में स्वयं अपने हाथों सम्मानित किया और उन्हें समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। समारोह में राज्यपाल ने विभिन्न विभागों में सफाई कर्मी, यातायात पुलिस, सिविल पुलिस, जलकल, राजस्व, विकास, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य विभाग के कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी भारत में बड़ी सक्रियता से कंट्रोल हुई, फलस्वरूप मृत्यु दर कम हुई, इसमें हमारे कोरोना वॉरियर्स का बहुत बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री ने देश की 140 करोड़ जनता को स्वयं जागरूकता हेतु मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने, हाथ धोने, लॉकडाउन में घर में रहने, बच्चों व बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने को समय समय पर बताया। राज्यपाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक टेस्टिंग हुई, संक्रमितों का तत्काल इलाज हुआ, जिसका उत्तर प्रदेश को फायदा हुआ, जनसंख्या के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश में मृत्यु काफी कम हुई। इंडिया में, भारत में कोरोना वॉरियर्स को कंट्रोल किया, इसकी वजह से सबसे कम डेथ, मृत्यु ये भारत में हुई। इसका कारण आप सब लोग थे। यदि अलग अलग प्रकार की ड्यूटी जो हम नहीं करते समय पे, तो ये कोरोना फैल सकता था। और बार बार टीवी में, न्यूज़पेपर में ये आता रहता था कि जो फैल जाएगा तो कई लोग इसकी चपेट में आ जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री श्री ने देश की 140 करोड़ जनता को ये बताया कि हम पहले मास्क पहने लगाएं, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ बार बार धोएं, किसी को टच मत करिए,
और जब तक अनलॉक नहीं था तब तक घर में बंद रही। बिन जरूर बाहर न निकलिए, भीड़ में मत जाइए, बच्चों को बाहर मत भेजिए। और बड़ी उम्र वाले हमारे माता पिता वगैरह थे, वो भी बाहर न निकले। समाचार अभी जारी रहेंगे, पहले ले लेते हैं ये विराम। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए, हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। अरे क्या हुआ चाचा, आज काम करते हुए गाना नहीं गुनगुना रहे हैं आप? छोटे भाई को टीबी हो गई है। हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में टीबी का जांच और उसके इलाज दोनों ही मुफ्त में उपलब्ध है। पर चिंता तो अन्य खर्चों की है। RNTCP नोटिफाइड जितने भी टीबी मरीज है ना, सरकार उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। इलाज की समाप्ति तक सरकार हर टीबी मरीज के बैंक अकाउंट में हर महीने 500 रुपए दिया करेगी। ये तो टीबी के मरीजों के लिए बहुत बड़ी राहत है। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। अरे राजेश भाई, बहुत दिनों बाद दिख रहे हो तुम। और बताओ? बस मेरी बेटी का कल जन्मदिन है और आपको आना होगा, चलो चलता। अरे राजेश भैया, आप उसे हाथ क्यों मिला रहे थे? उसे पिछले महीने से टीबी है। 2 हफ्ते तक लगातार दवा खाओ ना तो टीबी फैलने का खतरा तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। और रही बात हाथ मिलाने की, गले मिलने की, शौचालय इस्तेमाल करने की, बर्तन खाना बांटने की, उससे टीबी नहीं फैलता। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। उत्तर प्रदेश में जल शक्ति विभाग नलकूपों नहरों को अब सौर ऊर्जा से चलाएगा। इसके लिए संबंधित नलकूपों पर सोलर पैनल लगाया जाएगा। इसके लिए जल शक्ति विभाग ने बागों नहरों के आसपास खाली पड़ी सरकारी जमीनों को खोजा जा रहा है। प्रदेश में पहली बार ये क्रांतिकारी कदम होगा। जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि सोलर पैनल स्थापित करने के लिए ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान महेंद्र सिंह ने कहा कि सिंचाई विभाग के जलाशय, नहरों, बागों के आसपास पड़ी खाली जमीनों पर सोलर पैनल स्थापित करके बिजली उत्पादित की जाएगी। इस प्रणाली से पैदा की गई बिजली का लाभ आम नागरिकों को मिलेगा। आज से करीब 6-8 महीने पहले हम लोगों ने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की कंपनियों को आमंत्रित किया था। 3 दिन का प्रेजेंटेशन हुआ था कि हम लोग नहरों के किनारे, रिजर्वॉयर्स पर और अपनी जो वेस्ट लैंड है उन पर सब पे कैसे सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली का उत्पादन करके विभाग के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए एक क्रांतिकारी काम कर सकें। उस पर बहुत अध्ययन करने के बाद देश में कहां कहां पर ऐसे काम चल रहे हैं और दुनिया के अंदर कहां काम चल रहे हैं उनके सबको लेकर के आज हम लोगों ने एक बड़ी बैठक किया, जिसमें हमारे ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव और हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के SES और नेडा और सभी विभागीय अधिकारी, विद्युत विभाग और हमारे सिंचाई विभाग के लोग उपस्थित थे, जिसमें एक बड़ा निर्णय हम लोगों ने लिया है कि दोनों लोग मिल करके जितने हमारे रिजर्वॉयर हैं उस पर फ्लोटिंग सोलर एनर्जी के लिए और जो हमारे जमीन लैंड खाली पड़ी है उस पर भी हम लोगों ने सौर ऊर्जा को अच्छे ढंग से कैसे लगा सकते हैं, इसके लिए आज हम लोगों ने बातचीत किया है। हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत क्रांतिकारी कदम ये होगा कि अभी तक जहां इरिगेशन डिपार्टमेंट केवल सिंचाई के लिए पानी देता था, नहरों की व्यवस्था करता था, वहीं पर ऊर्जा को उत्पादित करके उत्तर प्रदेश की जनता को एक बड़ा तोहफा हम लोग देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत फल, सब्जी, रेहड़ी पटरी पर अपनी दुकान लगाने वाले दुकानदारों और अपने घरों से अचार, मसाले और कॉस्मेटिक का काम करने वाली महिलाओं को उनका व्यवसाय फिर से शुरू कराया जा रहा है। इनमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं लॉकडाउन के कारण जिनका रोजगार बंद हो गया था, उन्हें फिर से अपना रोजगार स्थापित करने में मदद मिल रही है। इस योजना से छोटे दुकानदारों को सूदखोरों से मुक्ति मिल रही है। नगर आयुक्त डॉक्टर अरविंद चौरसिया ने बताया कि पूरे देश में मेरठ स्ट्रीट वेंडर्स को लोन उपलब्ध कराने में 12वें नंबर पर है और प्रदेश में मेरठ नगर निगम का 8वां नंबर है।
मेरठ में 14,105 स्ट्रीट वेंडर्स ने आवेदन किया था और 7,369 स्ट्रीट वेंडर्स के आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, जिनके सापेक्ष 5,057 लोन वितरित किए गए। कुसुमलता नाम है मेरा और मोदी जी ने हमें 10,000 रुपए का लोन दिया है। इससे हमने अपना कारोबार बढ़ाया है। मतलब जैसे कि मेरा मसालों का काम है, मैंने अचार का काम बढ़ाया है। इसमें मसालों का भी पैकेट बनाती हूँ, 10-10, 20-20 रुपए के, 50 रुपए के पैकेट बना के घर घर जाके बेचते हैं। हम प्रधानमंत्री का बहुत धन्यवाद कहते हैं। मेरा नाम रमा शर्मा है, मैं प्रधानमंत्री योजना से जुड़ी हुई हूँ और मैं कॉस्मेटिक का काम करती थी, तो मेरा लॉकडाउन में काम बिल्कुल ठप हो गया था। प्रधानमंत्री की योजना, मुझे 10,000 रुपये लोन मिला है। मैं प्रधानमंत्री जी की बहुत अहम से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरी मुझ जैसी औरत को जो उन्होंने मदद करी है, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेरा अब काम बढ़िया चल रहा है। मेरा नाम अंजलि है, मैं सब्जी का काम करती हूँ, फल बेचने का। मेरे पापा नहीं है, मैं मम्मी और मैं हूँ, घर में जो बड़े हैं हम, बाकी सब छोटे हैं। मेरा खुद दो बच्चे हैं जो छोटे हैं, और मैं काफ़ी परेशानी हुई थी लॉकडाउन में, लेकिन जब से हमें लोन मिला है, ये पास हुआ है, हमें काफ़ी आसान हो गया है, और सामान लगाना भी, दुकानदारी भी काफ़ी आसान हो गई है हमारे लिए, और हमें काफ़ी आसान हो गया है। हम अपना काम भी कर रहे हैं और हमारा काम भी चल रहा है अच्छे से। ये लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, और इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो ये योजना चालू करी है, इससे बहुत राहत मिली है। मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कोई भी दिक्कत नहीं हुई, बैंक ने लोन तुरंत दे दिया हमें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से बचाव को लेकर एक जन आंदोलन की शुरुआत की है। पीएम मोदी ने लगातार 2 ट्वीट के जरिए कोरोना से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक किया। पीएम मोदी ने कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। उनके इस अभियान को जनपद कानपुर देहात का भी खूब समर्थन मिल रहा है। समाज सेवी कंचन मिश्रा प्रधानमंत्री के ट्वीट्स को रिट्वीट करते हुए लोगों से इस बीमारी से सावधानी बरतने के लिए कह रही हैं, और साथ ही लोगों के बीच जाकर कोरोना के प्रति जागरूक भी कर रही हैं। डीएम दिनेश चंद्र ने बताया कि कोरोना काल में डरने की नहीं, सावधानी की जरूरत है। यह संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए जन चेतना की मुहिम चलाई जा रही है। दवा और वैक्सीन के बिना मास्क और 2 गज की सुरक्षित दूरी, हाथ धोना ही सुरक्षा कवच है। भी क्या है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है वो बहुत ही लाभदायक है, और हम अपनी संस्था के तहत लोगों से अपील भी कर रहे हैं, और बराबर हम जब से कोविड का ये शुरू हुआ है बीमारी, तब से हम लोग मास्क और सैनिटाइजर करवा रहे हैं। और आज जो हम प्रेरित होकर नरेंद्र मोदी जी से ये जगह जगह यहाँ आज हमने अकबरपुर तहसील में किया, चूँकि आज तहसील दिवस है, यहाँ पे बहुत सारे लोग मास्क लगाए हैं, बहुत सारे लोग नहीं लगाए हैं, तो हम उनके संदेश को ग्रामीणों तक यही पहुँचाना चाहते हैं कि आपके लिए जरूरी, बहुत ज़रूरी है आपका जीवन, और जीवन से बढ़ के कुछ नहीं है। और हमारे जीवन के लिए अगर नरेंद्र मोदी जी सोच रहे हैं या योगी जी सोच रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा जीवन जो कि हमारे लिए अमूल्य है, हमें सोचना चाहिए, वो सोच रहे हैं। वर्तमान में COVID-19 यह गाइडलाइन है कि सभी लोग मास्क पहनेंगे, और यह अनिवार्य है, यह कानूनी रूप से भी अनिवार्य किया गया है। तो इसमें 2 तरह के व्यवस्था की जाती है। एक तो मास्क सभी लोग पहने, इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, और हमारे यहाँ हर थाने पे कोविड केयर हेल्प डेस्क है, जनपद में भी है, जहाँ पर जो भी जनता के लोग आते हैं अगर वो मास्क नहीं पहने रहते हैं तो उनको मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया जाता है, उनको हिदायत दी जाती है, और उनको मास्क जो सक्षम नहीं है उनको वितरित भी किया जाता है। इसके अलावे जो जानबूझकर मास्क नहीं पहन रहे हैं या जो इस COVID-19 के गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं, फिर उन पर जो विभिन्न जो संबंधित नियम है, जो कानून है, उसके तहत उन पर कार्रवाई भी की जाती है। आओ बैठकर बात करें, आओ मिलकर विकास करें की तर्ज पर आजमगढ़ जनपद के सदर तहसील के सठिया गांव विकासखंड के सिकंदरपुर ग्राम में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के 20 से अधिक विभागों ने अपनी सहभागिता दिखाई। शुरू हुए इस ग्राम चौपाल में धीरे धीरे मेले का स्वरूप ले लिया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं में अपना पंजीकरण कराया।
उप जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि इस चौपाल का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को एक ही स्थान पर भारत सरकार और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही उनकी समस्याओं का मौके पर ही निदान करना है। इसमें 20 से अधिक विभाग अपने संसाधनों के साथ उपस्थित होकर लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं। हमारे गांव में जो कि मेला लगा हुआ है, पशुओं को जो टीका लग रहा है और बिरला लग रहा है, एक काम बहुत अच्छा हो रहा है। सभी लोग आए हैं, अपना अपना निरीक्षण कर रहे हैं। हमारे गांव में मेला लगा हुआ है और हमारे पशुओं को टीकाकरण हुआ हमारे गांव में, जिसमें छल्ला लगाया गया और इंजेक्शन दिया गया और दवाइयां दी गई। देखिए, इसमें जो है ग्राम चौपाल का जो आयोजन है, ये बेसिकली इस ग्राम में जितने भी विभाग हमारे हैं सबके समन्वय से एक आयोजन किया गया है। उसमें जो ग्राउंड लेवल पर जो समस्याएं हैं, मान लीजिए पेंशन से संबंधित समस्याएं हैं, आय जाति निवास प्रमाण पत्र हैं या विरासत हैं, इस तरह की जितनी समस्याएं हैं, विभिन्न जो योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश सरकार की या भारत सरकार की जो जन सामान्य के लिए लोक कल्याणकारी हैं, उन योजनाओं का प्रचार प्रसार, उस सब के लिए एक मंच है। तो यहाँ पर लगभग 20 से अधिक जो विभाग हैं हमारे जनपद के, वो सभी मौजूद हैं, सबके प्रतिनिधि अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं और उनके ऑपरेटर्स भी यहाँ मौजूद हैं। तो यहीं मौके पर जो है वो सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। यदि किसी को किसी योजना में पंजीकरण कराना है वो किया जा रहा है, किसी को अपना स्टेटस जानना है अगर किसी एप्लीकेशन का तो वो बताया जा रहा है, राशन से संबंधी, महिला स्वास्थ्य से संबंधी, बाल विकास से संबंधी, इस तरह की जितनी समस्याएं हैं सबके बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है और लोगों की मदद की जा रही है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते लागू हुए लॉकडाउन के बाद से लंबे समय तक स्कूल बंद होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई पर खासा असर पड़ा है। शहरों में तो शिक्षक ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मगर ग्रामीण इलाकों में यह संभव नहीं हो पाया। सीमित संसाधनों होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई काफी प्रभावित हुई, जिसके चलते गाँव में बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ शिक्षक नए नए तरीके इजाद करके बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से एक बाराबंकी जिले की हैदरगढ़ तहसील के प्राथमिक विद्यालय भिया मऊ की शिक्षिका शिवानी सिंह भी हैं, जिन्होंने गांव में बच्चों को पढ़ाने के लिए खास मुहिम छेड़ रखी है। उनकी पढ़ाई का स्तर किसी निजी स्कूल से कहीं से भी कम नहीं है। वो बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी तो पढ़ाती ही हैं, साथ ही स्पेनिश भाषा भी सिखाती हैं। उनके पढ़ाए बच्चे फर्राटेदार अंग्रेजी तो बोलते ही हैं, उतनी ही तेजी से स्पेनिश भी बोलते हैं। इस काम में शिवानी सिंह की मुहिम का हिस्सा बनी पूर्णिमा देवी अंजू। कोरोना महामारी लॉकडाउन के चलते यहाँ बच्चों की शिक्षा को लेकर एक शिक्षक के तौर पर मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि मैं कैसे सारे बच्चों को शिक्षा से जोड़ सकूँ। सोशल साइट्स पे देखा कि कुछ शिक्षक अलग अलग तरीके के प्रयोग कर रहे हैं, समुदाय SMC की मदद से कार्य कर रहे हैं, जो मेरे भी दिमाग में आया। फिर मैंने भी गाँव में आके 8 से 10 बच्चों को शुरू में पहले सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए पढ़ाना शुरू किया। लेकिन तकरीबन 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन मैंने ये प्रयास किया कि 2 से 4 युवाओं को उससे मैंने बात की, उन्हें प्रेरित किया पढ़ाने के लिए, और जब उन्होंने इस तरीके का सिलसिला शुरू किया तो मैंने और धीरे धीरे युवाओं को मोटिवेट किया और इस तरीके से आज ये 22 गांव तक ये मुहिम पहुंच गई और 503 युवा हम एक टीम की तरीके से कार्य कर रहे हैं, अपने गाँव के बच्चों को इकट्ठा करते हैं और पढ़ाते हैं। पहले हम पढ़ाते थे बच्चों को, उसके बाद फिर हमको शिवानी दीदी नहीं पढ़ाते थे, बीच में रुक गए थे महामारी जो कोरोना इसके डर से, फिर हमको शिवानी दीदी मिली और उन्होंने कहा कि गांव में बच्चे हैं, कॉलेज स्कूल सब बंद हैं, स्कूल बंद हैं, आप जाइए और बच्चों को पढ़ाइए, निःशुल्क पढ़ाइए, क्योंकि रोजगार नहीं चल रहा है। इसलिए हमने बच्चों को इकट्ठा किया, 5 से 6 बच्चे सुबह पढ़ते हैं और 5 से 6 बच्चे शाम को पढ़ते हैं। घर वाले सपोर्ट करते हैं, जाइए दीदी पढ़ा रही हैं आप पढ़िए, ये हौसला हमें शिवानी दीदी से मिला है और उनके कहने पर, गाँव वालों के मतलब घर गार्जियन पेरेंट्स के कहने पर हम बच्चों को पढ़ाते हैं डेली, पढ़ाते हुए हमें 1 से 1.5 महीने हो गया है। हमारे यहाँ पहले लॉकडाउन में सब लोग हम लोग बैठे रहते थे, फ्री में इधर उधर घर में रहते थे और ये मैम मतलब आके हमारे यहाँ हम लोगों को पढ़ाया है, साइन करना सिखाया है और हमारे बच्चों को घूमने फिरने से बचा के इन्होंने पढ़ाने के लिए हम लोगों को बताया कि इनको पढ़वाओ, तो हम लोग पढ़ा रहे हैं इनको, अलग अलग बैठा के सबको पढ़ाते हैं। हमारी बच्ची को उन्होंने सिखाया है कि फ्री बैठने से अच्छा कुछ काम करो और बच्चों को पढ़ाओ, तो हमारी बच्ची पढ़ा रही है सबको। जब से लॉकडाउन हुआ है हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, इसलिए शिवानी आते हैं रोज और हमारे बच्चों को यहाँ पढ़ाती हैं। हमारे बच्चे पढ़ते थे ट्यूशन, जब से यहाँ घर में पढ़ते थे हम पढ़ाते खुद पढ़ाते थे। गंगा की स्वच्छता और निर्मलता को बनाए रखने की जागरूकता के उद्देश्य से प्रयागराज में गंगा मैराथन दौड़ का आयोजन कर
वन विभाग और खेल विभाग के सहयोग से किया गया। इस मैराथन में बालक वर्ग और बालिका वर्ग की अलग अलग दौड़ आयोजित की गई। इस मैराथन दौड़ को क्षेत्रीय वन संरक्षक एन रविंद्र ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गंगा मैराथन दौड़ सुबह 7 बजे शुरू की गई, जो शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर समाप्त हुई। वहां विजेताओं को पुरस्कार भी दिया गया। बालक वर्ग में पहला स्थान धीरज यादव ने प्राप्त किया, वहीं बालिका वर्ग में पहला स्थान नीतू कुमारी ने प्राप्त किया। इस मौके पर मुख्य वन संरक्षक एन रविंद्र ने कहा कि गंगा की सफाई और निर्मलता को बनाए रखने के उद्देश्य से और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए गंगा मैराथन का आयोजन गंगा दिवस के मौके पर किया गया। बेसिकली ये तो गंगा संरक्षण अभियान के अंतर्गत ही ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और गंगा को बचाने में सब देशवासी जुड़े हैं, तो इसमें उत्साह हमारा किस लेवल का है ये दिखाने के लिए एक ये जो इस तरह का क्रीड़ा का आयोजन किया गया और इसमें बढ़ चढ़ करके जगह जगह से बच्चे आके इसमें भाग लिया है, तो इसमें ये पता चलता है कि गंगा को बचाने के लिए देशवासी कितने सजग है और कितने दूर तक भाग लेना चाहते हैं, कितनी तन मन से भाग लेना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे दौड़ करके गंगा मैराथन में काफ़ी मुझे आशीर्वाद भी मिला और उत्साह भी हुई बहुत ज़्यादा और अपने आप को मतलब अच्छा महसूस कर रही हूँ कि मेरी प्रैक्टिस कामयाब हो रही है धीरे धीरे और लगातार कंटिन्यू में प्रैक्टिस करती हूँ। इसे आज के दिन गंगा मैराथन जो महवाल में आयोजित था, हम वहाँ पे उसमें प्रतिभाग किए गंगा मैराथन में और प्रथम स्थान प्राप्त किए। ऐसी बहुत सारी मैराथन जो प्रयागराज में होती है, हम उस मैराथन में प्रतिभाग करते हैं और पदक जीतते हैं। देवरिया में संपन्न हुए विधानसभा उपचुनाव में मिली जानकारी के अनुसार लगभग 51.05% मत पड़े। देवरिया सदर विधानसभा क्षेत्र के 14 प्रत्याशियों के भाग का फैसला ईवीएम में कैद हुआ, जो महाराजा अग्रसेन कॉलेज ऑफ कॉमर्स देवरिया में बने स्ट्रांग रूम में जमा करने की कार्यवाही पीठासीन अधिकारियों द्वारा की गई। कंट्रोल रूम द्वारा मतदान के 2-2 घंटों पर दी गई जानकारी के अनुसार पूर्वाह्न 9 बजे मतदान का 6.9%, 11 बजे मतदान का 18.1%, अपराह्न 1 बजे मतदान का 31.85%, 3 बजे 41.06%, 5 बजे मतदान का 48.48% और मतदान समाप्ति के पश्चात कुल लगभग 51.05% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आज सुहागनों का पर्व करवा चौथ है। राजधानी लखनऊ के तमाम बाजारों को विशेष रूप से सजाया गया है। पूजन श्रृंगार व सजावट के सामानों से बाजारों में रौनक है। मेहंदी लगाने का विशेष महत्व होता है आज के इस दिन। इस पर्व में त्योहार उत्साह के साथ लेकिन COVID-19 का प्रोटोकॉल पालन करके मनाया जा रहा है। देखा जा सकता है कि महिलाओं की भारी भीड़ कल से ही है। प्रशासन ने भी यहाँ पर काफी व्यापक व्यवस्थाएं की थी और लोग कोविड प्रोटोकॉल का इस बार पालन कर रहे हैं। खासतौर से कोरोना संक्रमण है इस बार, तो इसको ध्यान में रखकर यहाँ पर इन दुकानों पर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान भी दिया जा रहा है। जैसे जो लोग मेहंदी लगा रहे हैं वो लोग मास्क पहने हुए हैं, सैनिटाइजर का यूज़ कर रहे हैं। आइए जानते हैं लोगों से कि क्या कुछ एहतियात बरत कर अपना पर्व मना रहे हैं। पूरे ईयर का फेस्टिवल है करवा चौथ, हम लोग बोलते हैं इसको, और ये हम लोग अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखते हैं। और सारी सुहागिन मेहंदी का तो जानते ही क्रेज चल रहा है और इसी का सबसे ज़्यादा शौक रखती हैं सारी महिलाएं कि मेहंदी लगनी चाहिए। कंपटीशन भी होते हैं लखनऊ में और इसी वजह से हम सुबह सुबह आ गए मेहंदी लगवाने के लिए। कल टाइम नहीं मिला तो आज ही सुबह सुबह आ गए। देखिए हमारे जो कस्टमर वगैरह हैं, मान के चलिए सब मास्क वगैरह लगाए हुए हैं, सब दूरी लगाने वाले भी सर लगाए हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है सब। और देखिए, और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतगणना जारी है। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट प्रत्याशी जो बाइडेन के बीच कांटे की टक्कर, फिलहाल जो बाइडेन मतगणना में आगे चल रहे हैं। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। गृहमंत्री अमित शाह, सूचना प्रसारण मंत्री जावड़ेकर सहित अनेक क्षेत्रों के लोगों ने गिरफ्तारी की निंदा की। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने वाराणसी में कोरोना के खिलाफ फ्रंट वॉरियर्स को किया सम्मानित। कहा, प्रदेश में सबसे अधिक टेस्टिंग हुई, संक्रमितों का तत्काल इलाज किया गया। और
प्रदेश के जल संसाधन मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश भर में गांव में सिंचाई के लिए प्रयुक्त होने वाले सरकारी सिंचाई नलकूपों को सौर ऊर्जा से चलाया जाएगा। इसके लिए ऊर्जा विभाग के साथ बैठक की जा चुकी है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।